दोस्तों, अब ईरान, हमास, हिजबुल्ला, हुती लड़ाके, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसराइल में नेतन्याहू अब अपनों से ही गिर गए। अलग अलग शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। हालात गृह युद्ध जैसे बन चुके हैं। इसराइल के साथ साथ खुद नेतन्याहू की पूरी सरकार फंस चुकी है। यही नहीं, हालात ये है कि अब नेतन्याहू के मंत्री ही आपस में भिड़ने लगे हैं। ये एक एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग जगह प्रदर्शन तो हो रहा है, उन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी वजह से और फजीहत हो रही है। वहीं आपस में मंत्री भिड़ रहे हैं, कोई रो रोकर बता रहा है कि हाँ हमने बहुत गलत किया। तो वहीं इन सब के बीच खबर यह है कि इसराइल के 10,000 से ज्यादा सैनिक गायब हो गए। इन सब के बीच एक और बड़ा झटका आया है अमेरिका से। अमेरिका की तरफ से जो कहा गया, जो संदेश दिया गया है, उसने नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। एक एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं दोस्तों, उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार लगातार मुझ तक, मेरे चैनल तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दरअसल हमारा जो एजेंडा है, हमारी जो खबरें हैं, वो ये है कि एक एक चीज आप तक सच पहुंचे, चाहे वो इसराइल से जुड़ी हो या ईरान से जुड़ी हो। लेकिन जैसे ही इसराइल और ईरान से जुड़ी हुई खबरें हम दिखाते हैं, हमास, हिजबुल्ला, हुती से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं, तभी हमारा रेवेन्यू कम कर दिया जाता है। ये लगातार आपका प्यार ही है जिसकी वजह से हमारा हौसला, हमारा जज्बा लगातार बरकरार है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, यहां वीडियो में हूं क्या रहा है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नेसेट एक जगह है वहां पर ये विरोध प्रदर्शन। आप पुलिस देखिए, पुलिस खींच खींच कर प्रदर्शनकारियों को बाहर ले जाती हुई भी नजर आएगी। ये अलग अलग तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली देखिए किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन के लिए, देखिए पैंट पर खून लगा रखा है और हाथों पर बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, चेहरे पर चोट के निशान दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से उनके अपने लोगों के साथ वसलूकी हो रही है। लेकिन नेतन्याहू अपनी चीजों में व्यस्त हैं कि वो उनको हमला ही हमला करना है, इसी को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। और उस प्रदर्शन के खिलाफ जब वहां पर बात हुई तो पुलिस वालों को भेज दिया गया और खींच खींच कर एक प्रदर्शनकारी को ले जाने लगी। ये तमाम तमाशे वहां पर चल रहे हैं। खबर किसने छापी, ये लिखा है स्प्रिंटर ने, इजरायली प्रोटेस्ट ने द नेसेट, और वहां पर ये तमाम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे और गुस्सा भड़क गया। अभी आपको और खबरें दिखा रहा हूं, खबर क्या है इससे जुड़ी हुई। इसमें स्प्रिंटर ने खबर छापी, पुलिस अरेस्टेड 9 इजरायली ड्यूरिंग ए डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड नेतन्याहू जेरूसलम रेसिडेंस डिमांडिंग ए स्वैप डील। दरअसल लगातार दबाव पड़ रहा है क्योंकि बार बार क्या हो रहा है कि नेतन्याहू को खुद का लाडला तो भैया इस समय अमेरिका में है, गुनगुनी धूप में आराम से नंगे बदन लेटकर, तस्वीर भी आई थी। लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है कि जो वहां के लोग हैं उनके परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती मोबिलाइज करके भेजा जा रहा है, कभी दक्षिण लेबनान भेजा जा रहा है, कभी यहाँ गजा में भेजा जा रहा है, जिससे अब लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और प्रदर्शन हो रहा है तो वो भी सहन नहीं कर पाए नेतन्याहू। और क्या हो रहा है उसके लिए अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये खबर निकल कर आई है। यानी गृह युद्ध जैसे हालात अंदर खाने बने हुए हैं। अगर ये संघर्ष जल्दी नहीं रुका तो नेतन्याहू के खिलाफ उनके अंदर देश में ही एक बड़ा गुस्सा भड़क सकता है। तीसरी खबर देखिएगा, इसमें एक अपोजिशन के लीडर है लैपिड, उन्होंने क्या कहा, स्प्रिंटर की खबर है। इजरायली अपोजिशन लीडर लैपिड इन द नेसेट एड्रेसिंग नेतन्याहू एंड द गवर्नमेंट। एक जगह उन्होंने खड़े होकर नेतन्याहू के बारे में और उनकी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा, द आर्मी इज मिसिंग 10,000 सोल्जर्स, यानी 10,000 उनके सैनिक गायब हो चुके हैं। वी नो लॉन्गर हैव प्रिजनर्स एंड द पीपल ऑफ द नॉर्थ आर स्टिल इन होटल्स। बताया गया एक तो 10,000 हमारे सैनिक खो गए, जो हमारे कैदी इस समय गजा में है, हमास के पास है, उनका कोई अता पता नहीं। और तो और खासकर उत्तरी इसराइल में अगर आप देखेंगे तो वो अपना घर बार छोड़कर होटलों में रहने को मजबूर है। ये हालात पैदा कर दिए नेतन्याहू को। यानी आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने जो खबर दिखाई थी इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं की है, खुद इसराइल की तरफ से की जा रही है कि हाँ हालात बद से बदतर हो चुके हैं इसराइल में। अगली खबर देखिएगा, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, गजा में जाने से डर रहे हैं इसराइल के सैनिक, मना कर रहे हैं वहां नहीं जाएंगे। और देखिए खबर क्या है, स्प्रिंटर की खबर है, इजरायली आर्मी हैज एडमिटेड दैट 88 सोल्जर्स हैव बीन वाउंडेड इन फाइटिंग विद हिजबुल्ला एंड साउथर्न लेबनान ओवर द पास्ट 48 आवर्स। इन द इजरायली लिटरेरी डिक्शनरी द वर्ड वाउंड हैज ए वाइड रेंज ऑफ मीनिंग इंक्लूडिंग टू डिस्ट्रॉय। मतलब इसमें बताया गया कि 88 इजरायली सोल्जर्स बहुत बुरी तरह से जख्मी है और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जो एक सारे के सारे भेजे गए थे दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए। लेकिन मैं लगातार आपको खबरें दिखा रहा हूं कि कैसे उनके टैंक, कैसे उनके तमाम उपकरणों के साथ साथ ट्रक भर भर कर दक्षिणी लेबनान से उत्तरी
इसराइल में भेजा जाता है कि ले लीजिए, आपके सारे साजो सामान वहां पर रह गए थे और आपके सैनिक मार दिए गए। ये तमाम खबरें निकल कर आ रही है और यही वजह है जिसके चलते इसराइल के अंदर गुस्सा फूटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर स्प्रिंटर ने एक और खबर दिखाई है, क्या है? डिप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इसराइल आर्मी, जो इसराइल आर्मी के डिप्यूटी चीफ है, उन्होंने कहा वी हैव ए शॉर्टेज ऑफ सोल्जर्स, वी नीड टू रिक्रूट मोर, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉर्पसेस नाउ। बताया गया है कि इन्होंने अभी एक रिक्रूटमेंट निकाला था, आप यकीन नहीं मानेंगे, रिक्रूटमेंट के लिए जो निकाला उसमें लोग आए ही नहीं, मतलब इसराइल की आर्मी में इसराइल के लोग ही भर्ती होने से अब इनकार करने लगे हैं। अब इस बात को किसने माना? इसराइल की आर्मी के चीफ डिप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ने माना कि हां ये हालात पैदा हैं, हम पर अब आर्मी नहीं है, गजा में मारे गए और दक्षिणी लेबनान में मारे जा रहे हैं, संख्या कम होती जा रही है हमारे सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गई है और नया रिक्रूट हो नहीं रहा, क्योंकि अपनी ही देश की सेना, लोग अपनी ही देश की सेना पर भरोसा नहीं कर रहे और उसमें आने के लिए तैयार नहीं है, कि नेतन्याहू के फैसलों पर भरोसा नहीं है, इसलिए रिक्रूटमेंट बेकार हो गया, जितने सैनिकों की जरूरत थी और यकीन नहीं मानेंगे 1% भी नहीं आए। इसको लेकर एक और खबर है, कैसे हालात है वहां की आर्मी की, समझाना बहुत जरूरी है, कैसे वहां की आर्मी ही बड़ा विद्रोह करने जा रही है। आपने देखा था ना बांग्लादेश में, अभी आपने देखा था श्रीलंका में, वैसे ही हालात यहां बन सकते हैं। कैसे? देखिए, स्प्रिंटर की खबर है, ए चैनल रिपोर्टेड रिपोर्ट बाय द इसराइल अबाउट ए इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड एडिक्शन इन द आर्मी ऑफ द इसराइल। बताया गया है कि इसराइल की जो आर्मी है वो अवसाद में जा रही है, इतना खून खराबा तो देखा ही देखा, जिस तरह से पिछले एक साल से इस युद्ध में बैठ गए हैं, जाकर बारूद की गंध, लगातार हत्याएं, तमाम चीजें देख देख के पागल से होते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये एक चैनल की रिपोर्ट है जिसने बताया कि इसराइल की आधी से ज्यादा जो सैनिक हैं वो इस तरह से पागलपन के शिकार से होते जा रहे हैं और ये उनकी आदत सी बन गई, पागल से होते जा रहे हैं, कहीं मार दिए जा रहे हैं, कुछ बचे हैं तो वो पागल हो चुके हैं। इसकी एक और खबर है जिसमें अब मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ। दरअसल आपको एक खबर हमने आपके चैनल ने दिखाई थी कि अमेरिका ने तोहफा दिया था, एक बड़ा शानदार हेलीकॉप्टर, रडार वगैरह सब लगा था, लेकिन जो सेसरिया में नेतन्याहू का घर है, निजी आवास, वहां तक हिजबुल्ला का ड्रोन पहुंचा था। अब उस ड्रोन के बाद से ही बौखलाए हुए नेतन्याहू। अब नेतन्याहू ने की तरफ से क्या कहा, स्प्रिंटर, नेतन्याहू, आर हाउस इज मेड ऑफ आयरन, हमारा घर लोहे का बना है, नॉट ए स्पाइडर वेव, ठीक है, क्लेम्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इसराइल, वी हैड कैरिड आउट एक्सटेंसिव अटैक ऑन ईरान एंड ईरान्स आर हैव लॉस्ट मोस्ट of their ability to defend this country। धमकी फिर दे रहे हैं, गीदड़ बक्की समझिए कि ईरान पर फिर हम हमला करेंगे, बहुत तेज रफ्तार से हमला करेंगे और ईरान उसे सहन नहीं कर पाएगा, इस तरह की धमकी दी जा रही है नेतन्याहू की तरफ से। लेकिन इसी बीच एक खबर की आई, खबर देखिए, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, बताते बताते आपस में तूतू मैमे तक के हालात पैदा हो जाएंगे, देखिएगा अभी इसमें तूतू मैमे के हालात पैदा होंगे और देखिए वो बीच में टोकते हैं और टोकाटाकी शुरू हो जाती है। दरअसल स्प्रिंटर की खबर है और उन्होंने लिखा, लैपिड टू नेतन्याहू, द ओनली मिनिस्टर हु हैव कन्विक्टेड ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म एंड यू गेव हिम द की ऑफ द पुलिस इज बैन गिवन। उन्होंने कहा कि एक मिनिस्टर, एक आपका मंत्री था जो खुद टेररिज्म, आतंकवाद को सपोर्ट करता था और आपने क्या किया, उसे ही अपने देश के पुलिस को संभालने की चाबी दे दी, जिनका नाम बैन गिवन है। तो बैन गिवन क्या कहते हैं इस पर, ऑल द टेररिस्ट हैव आर योर फ्रेंड, गो टू अहमद तैयबी एंड मंसूर अब्बास, ऑल दोज हु डोंट कंडेम द किलिंग ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द इसराइल आर्मी। इस पर बैन गिवन जवाब देते हैं कि सारे आतंकवादी आपके दोस्त हैं, नाम लेकर बताते हैं, यानी दोनों ही तरफ से आप देखिए तूतू मैमे, मतलब जूतम पैजार की स्थिति पैदा होती जा रही है इसराइल के अंदर, कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। एक वक्त था जब नेतन्याहू के सामने लोग नहीं बोल पाते थे, उनके अपने मंत्री नहीं बोल पाते थे, अब तो उनको आंखें दिखाने लगे हैं, ये हालात पैदा हो रहे हैं, ये तस्वीर है इसराइल से निकल कर आ रही है। और एक भावुक तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा इसराइल की, जब इसराइल के वित्त मंत्री रो पड़ते हैं और जो ताजा हालात बताते हैं उसे देखकर आप समझिए इसराइल किस कदर टूट चुका है। पहले देखिए, तो बोलते बोलते आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी सर पकड़ लेते हैं, भावुक हो जाते हैं। दरअसल इन्होंने स्प्रिंटर नई खबर छापी, दिखा द रेसिस्टेंट दैट ब्रॉट मिनिस्टर नेतन्याहू टू टीयर्स, द इजरायली रिजीम फाइनेंस मिनिस्टर विद टीयर्स स्टेंड आईज टोल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिलीजियस इजरायली पार्टी दैट हिज पार्टी हैड सफर्ड सिग्निफिकेंट लॉसेस सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। इन्होंने बताया कि हालात बहुत बद से बदतर हैं, इसराइल तो इसराइल में जो उनकी अपनी पार्टी है उसके हालात बहुत बुरे हो गए हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है, और जब ये पार्टी की तरफ से ये कहा जाए, किसी कोई वित्त मंत्री ये बात कहे, तो समझिए किस तरह के हालात है, क्योंकि वहां की अपने ही लोग अब नेतन्याहू या उनकी सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे। यानी कभी भी मैं कह रहा हूं बार बार, गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, कई खबरें अभी तो देखिए। एक और वीडियो उसी से जुड़ा हुआ था जिसमें रोने लगे थे इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर है बेजल स्मोटिच, कैरे क्राइज आफ्टर विजिटिंग द फ्यूनरल होम्स
ऑफ इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन गजा एंड लेबनान, लेबनान और गजा में जो मारे गए उनके ऊपर पुष्टि की है कि हाँ हमारे कई सैनिक लेबनान में और गजा में मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि करते करते वो रो पड़ते हैं। ये हालात वहां के मंत्रियों के हो रहे हैं। एक और खबर है, इजरायली वॉर मिनिस्टर योआव गैलेंट, इन्होंने आगे आकर कह दिया, रिक्रूटिंग द अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इज नॉट पोटेंशियल पॉलिटिकल इशू बट इज सिक्योरिटी एंड मोर मोरल इशू। द सिचुएशन इज एक्यूट, वी हैव मोर वाउंडेड एंड मोर फॉलन, वी नीड मोर सोल्जर्स एंड मोर फाइटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ही 10,000 इनके सैनिक खो गए हैं, लोग आने के लिए तैयार नहीं है, आर्मी में लोग नहीं बचे। और इन सब के बीच खबर है कि रक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ हम पर सोल्जर्स नहीं है, लोगों की भर्ती करने की जरूरत है, हमारा मनोबल खत्म हो रहा है। ये तमाम चीजें हो रही हैं इस देश के अंदर। यानी ये पहले भी एक दिन पहले कह चुके थे कि अब वक्त आ चुका है कि आप सीज फायर कीजिए, आप हमारे से बातचीत कीजिए। यानी रक्षा मंत्री वहां के हथियार डाल चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। रक्षा मंत्री मतलब जो युद्ध की पूरी कमान संभाले, उसके बावजूद नेतन्याहू की सरकार ने इसराइल को लाकर कहां खड़ा किया, आप समझ सकते हैं एक एक खबर के जरिए। स्प्रिंटर ने एक और दावा किया जिसमें लिखा, इरान बेवॉर 373 मिसाइल डिफेंस सिस्टम शॉक्स वर्ल्ड मीडिया। दरअसल आपने देखा आयरन डोम लगा रखा था, थार जैसे एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं इसराइल ने अमेरिका से मिले हुए, फिर भी ईरान जब जब हमला करता है, हिजबुल्ला जब जब हमला करता है, सारे के सारे मोम के पुतले की तरह खड़े रह जाते हैं। लेकिन जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उस समय उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त तरीके से मार गिराए थे। एक दिन पहले हमारे साथ जुड़े भी थे जो मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, उन्होंने बताया कि हाँ ईरान का जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है, ज्यादा मजबूत है मुकाबले इसराइल के। अब उसने एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, ईरान बाबार 373 मिसाइल्स है, डिफेंस सिस्टम है। इसने और घातक तरीके से कोई हमला होगा उसे रोकने के लिए तैनात किया गया, जिसने इसराइल के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब इसके बाद क्या कहना पड़ रहा है नेतन्याहू को, देखिए स्प्रिंटर की खबर है, नेतन्याहू, आई एम टू मेक पीस विद अरब कंट्रीज, कहते हैं कि मेरा उद्देश्य है कि मैं अरब कंट्रीज के साथ तालमेल बैठाऊं। कैसे बैठाएंगे? लेकिन उससे पहले देखिए अमेरिका से खबर आ गई, अमेरिका ने भी क्या कहा, ट्रंप विल, स्प्रिंटर की खबर है, ट्रंप विल पुट प्रेशर ऑन नेतन्याहू इफ ही विंस द इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप, इफ ही रिटर्न्स टू द व्हाइट हाउस वी पुट प्रेशर ऑन द इजरायली प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, राइट्स द फाइनेंशियल टाइम्स। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो वापस करते हैं, साथ सत्ता में आते हैं, तो नेतन्याहू पर प्रेशर होगा, वो किसी भी कीमत पर गजा के साथ सीज फायर करें, यानी हाथ खींच ले जाएंगे अमेरिका की तरफ से अगर उसने ये नहीं किया तो। अब ये आखिरी खबर बस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिएगा स्प्रिंटर नेतन्याहू, इफ इसराइल फॉल्स अदर कंट्री विल ऑल्सो फॉल विद अस, वी विल नॉट लूज एंड वी विल विन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। नेतन्याहू कहते हैं कि अगर हमारा देश डूबा, अमेरिका की तरफ से जैसे आया ना कि हम प्रेशर बनाएंगे, वैसे ही नेतन्याहू ने भी अमेरिका को जवाब दिया कि अगर हम डूबे ना सर, हम सबको ले डूबेंगे, हम पर असर नहीं पड़ेगा, हमें सपोर्ट करने वाले तमाम देश भी ऐसे ही ले डूबेंगे। यानी अब वॉर इसराइल के अंदर भी चल रही है, आपस में भिड़ रहे हैं, इसराइल अपने ही साथियों को धमकी देने पर उतारू है, ये तमाम चीजें हो रही है। और इसके साथ ही एक छोटा सा बयान बस आपको सुना, दरअसल ये खुद यहूदी हैं जो एस रापी भी कहते हैं, वी आर विद द फिलिस्तीन गवर्नमेंट एंड द फिलिस्तीन पीपल, यानी खुलकर अब यहूदी भी सपोर्ट करने लगे हैं फिलिस्तीन को। ये सबसे बड़ा झटका खुद नेतन्याहू के लिए है। नमस्कार। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।